तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक ट्रिक लेके आया हूँ। आपको इस बात इस ट्रिक का पता होना चाहिए कि जिन लोगों के पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस ट्रिक में बताने जा रहा हूँ कि आप अपने सिस्टम को शट डाउन कैसे कर सकते हैं। एक तो तरीका हमारे पास Alt+F4 का बटन, तो जिसको हम प्रेस करने से अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, Alt+F4। तो आज मैं बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक लेके आया हूँ, जो कि है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट क्लिक करेंगे आप अपने लैपटॉप का या कंप्यूटर का, उसके अंदर जाएंगे न्यू के अंदर। न्यू के अंदर जाने के बाद आप जाएंगे शॉर्टकट के अंदर। शॉर्टकट के अंदर आप जाएंगे, आपको टाइप करना होगा परसेंटेज, उसके बाद VIN, DIR, उसके बाद आप फिर आप परसेंटेज को क्लिक करेंगे। परसेंटेज के क्लिक करने के बाद उसके बाद सिस्टम लिखेंगे। सिस्टम लिखने के बाद 32, सिस्टम 32 स्लाइड टू शटडाउन लिखेंगे। परसेंटेज WinDR परसेंटेज सिस्टम 32 स्लाइड टू शटडाउन एग्जीक्यूट। इसके बाद व्यूअर्स आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इधर आप कोई भी फोल्डर बना सकते हैं, अपना कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। आप फोल्डर का नेम रख लें शटडाउन। सिस्टम ऑन डेस्कटॉप फोल्डर आप कुछ भी अपना नेम रख सकते हैं, अपने फोल्डर का नाम। इसके बाद हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद ये देखो व्यूवर, शट डाउन सिस्टम का फोल्डर हमारे पास आ गया है। इस फोल्डर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें स्लाइड टू शट डाउन योर PC। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।